लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर प्रियंका गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा के मामले में बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल दोस्तों, बीते दिन कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को आगे कर दिया, जिसके बाद लगातार ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं में जबरदस्त जोश के साथ इस बार के 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बेहद अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रियंका गांधी की छवि लगातार इंदिरा गांधी से जोड़कर देखी जाती है। ऐसे में दोस्तों, प्रियंका गांधी ने एक बड़ा बयान देते हुए अपने पति रॉबर्ट वाड्रा पर बड़ी बात बोली है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, प्रियंका गांधी ने एक बड़ा बयान देते हुए एक बार फिर से राहुल गांधी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि मैं बेहद खुश हूं कि राहुल गांधी ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है। अपने पति को ईडी से समन के ऊपर कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि पूरी दुनिया को पता है कि आखिर चल क्या रहा है। पार्टी की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रियंका गांधी पहली बार पत्रकारों के चंद सवालों के जवाब देते हुए नजर आई है। इसके साथ में उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को मध्य दिल्ली स्थित जामनगर हाउस में ईडी दफ्तर पर 4:15 के आसपास छोड़ा, और इसके बाद वो अपने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के लिए रवाना हो गई हैं। और दफ्तर में जाने के बाद उनसे भारी मात्रा में कई सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मिले हैं। और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से तैयारी का जायजा लेते हुए प्रियंका गांधी ने कहीं ना कहीं इस बात के इशारे दे दिए हैं कि 2019 का लोकसभा चुनाव कम से कम उत्तर प्रदेश में बेहद घमासान भरा रहने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी बेहद बड़ी टक्कर देती हुई सभी सीटों पर नजर आएगी। ऐसे में दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही थी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई, जहां पर प्रियंका गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा के विवाद में बड़ी बात बोलते हुए कहा है कि आप सभी लोगों को पता है कि आखिर ऐसा चल क्यों रहा है। यानी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। और चुनाव से चंद दिन पहले ईडी के बुलावे पर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे देता है कि चुनाव से पहले ही जांच एजेंसियां ज्यादातर एक्टिव इसलिए भी हो सकती हैं क्योंकि उसके पीछे कोई राजनीतिक कारण भी हो सकता है। दरअसल दोस्तों, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना मत भूलिएगा। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।